Hi में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में एक है कार्बन नैनोट्यूब्स और दूसरा है लाइफाई अब ये दो दोनों टर्म्स हैं ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहे हैं यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है और लाइफाई यानी विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन पूछे हैं अगर आप देखोगे 2020 में इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन नैनो ट्यूब से रिलेटेड भी और साथ ही साथ विजुबल लाइट कम्युनिकेशन पर भी तो आज हम पहले इन दोनों टर्म्स को जानते हैं और फिर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो हमारा टर्म है वह कार्बन नैनो ट्यूब आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वह कार्बन के कार्बन से बना हुआ है कार्बन के एक एलोट्रोप से बना हुआ है उस एलोट्रोप का नाम है ग्रेफाइट

तो कार्बन नैनो ट्यूब भी कार्बन का एक तो बहुत ही रोबस्ट इनको तोड़ना बहुत ही, बहुत ही कठिन है बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी लाइट आप सोचो आपको कोई ऐसी चीज मिले जो काफी लाइट हो बट उसे तोड़ना मुश्किल हो दैट इज वॉट वी कॉल एज कार्बन नैनो ट्यूब और इस कार्बन नैनो ट्यूब में गजब की मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज भी काफी बेहतर है और इसके कारण इसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है और कई चीजों में इसका इस्तेमाल किए जाने की कोशिश की जा रही है कहां कहां इसका, इसका इस्तेमाल हो सकता है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस मीन्स बैटरीज को बनाने में साथ ही साथ डिवाइसेस की मॉडलिंग में ऑटोमेटिक पार्ट्स में बोर्ड्स में इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स के गुड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल हेलमेट्स हो गए या गियर्स जो हो गए उनके लिए इसके साथ साथ वाटर फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आप देखते हो कि आज के डेट में हमारे पास एलईडी जो स्क्रीन हैं, है, उनको बिल्ड करने में कार्बन नैनो ट्यूब्स के कुछ एग्जाम्पल्स ही वाइड वराइटी हो सकती है यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने पूछा था विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द दे कैन बी यूज एज कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द्यूमन बॉडी दे कैन बी मेड इन टू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलिटी बॉडी दे कैन बी यूज इन बायो केमिकल कार्बन नाइनोट आर बायोडिग्रेडेबल तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लेकर बता सकते हो अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास लाइफ वाइज से रिलेटेड लाइफाई यानी विजिबल लाइट कॉम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा कॉम्युनिकेशन सिस्टम जहां पे हम रेडियो वेव्स की जगह पे लाइट वेव्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट को यूज कर सकते हैं जहां पे हम इंफॉर्मेशन को लाइट के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर आप सभी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ा है अगर आपने स्पेक्ट्रम को पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्रॉम रेडियो वेव्स टू एक्सरेज ये सभी हमारे या अल्ट्रावायलेट रेज और इवन हायर ये सभी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जिस तरीके से रेडियो वेव का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं अपने मोबाइल्स में इंटरनेट सैटेलाइट्स uh, के थ्रू इंटरनेट का कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट सॉरी सैटेलाइट्स के थ्रू हम इंटरनेट का यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ठीक वैसे ही लाइट रेडिएशंस का भी इस्तेमाल करके हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं इससे जो डेटा है वो काफी हाई रेट पे ट्रांसमिट की जा सकती है इसमें हम चाहें तो विजुअल लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंफ्रा का भी कर सकते हैं अल्ट्रा स्पेक्ट्रम का भी कर सकते हैं अगर हम विजुअल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो वहां पे हम कन्फाइन करते हैं अपने को तो विजुअल लाइट सिस्टम में लाइफाई जो है यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी के जगह लाइट वेव का इस्तेमाल किया जाता है अब देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होने के जो चांसेस है वो काफी कम होती है साथ ही साथ यह ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी पे काम करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी की जगह पे और इसको सेंसिटिव जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स हो गए एयरक्राफ्ट हो गए केमिकल प्लांट्स हो गए वहां पर यूज किया जा सकता है क्योंकि आपको मालूम है जो विजिबल लाइट है हमारी उससे हम डेली एक्सपोज होते हैं बट इसका हमारे बॉडी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा कम देखने को मिलेगा वहीं पे अगर हम रेडियो वेव्स या फिर अल्ट्रावायलेट वेव्स एक्सरेज इन सभी से अगर इम्पैक्टेड होते हैं

मैंने आपको इन सब के बारे में बताया है आपका काम यह है कि इससे रिलेटेड इसका जो आंसर होगा वह कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाकी सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप अन्वेषण आई भारत के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं यहाँ पे आपको डेली न्यूज फीड मिलती है साथ ही साथ क्विजेस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रिलम्स और मेन्स का और मेंटरशिप मेंटरशिप सपोर्ट भी आपको मिलेगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो All the best. Thank you.